मेरी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चला तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी फिर क्या? हाँ, तो एक सपना था, मानो ऐसा लगा मैं सच में सोसाइटी में चला गया हूँ। पता नहीं है शीला कहाँ गई, एक काम करता हूँ होटल में जाके चेक करता हूँ। इधर मैं इतना परेशान हुआ, पूरा मॉल ढूंढा, सब कुछ ढूंढा, और मैडम यहाँ पे आके मस्त सो रही है। इसके साथ तो बात ही नहीं करूंगा। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। वाह, क्या ब्रांडेड दिख रहा है ये बिच। ऊपर से मैं चित्रा, डबल ब्रांडेड। हेलो सब, हाउ आर यू? मैं ब्रांडेड, आप? मैं डबल ब्रांडेड। अच्छा दीदी, कहाँ पे हो अभी? मुंबई। मुंबई? सोमा, तुम भूल गए, हमारी एनिवर्सरी है इसलिए हम एंजॉय करने आए हैं मुंबई। ओ, मैं भूल ही गई थी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक्स। जीजू भी है क्या वहाँ पे? हाँ। व्हाट हैपेंड? ये लो, मेरी बहन को बात करनी है। ओह हेलो जजू। जेजू, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक्स। वैसे कब आ रहे हो इधर? आ, अरसा हो गया, आ जाओ, हमें भी आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका दो। कमिंग सून, कमिंग सून। अच्छा दीदी को दो ना। ये ला। दीदी कब गई मुंबई? 2 दिन पहले आए हम घूमना। एंजॉय कर रहे होंगे ना, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। एनिवर्सरी है, थोड़ा आपको भी एंजॉय करने का मौका रखती हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप तैयार हो के आपको जाना है ना गेटवे ऑफ इंडिया? मैं तो रेडी हूँ, बट माय वाइफ इज नॉट रेडी। ओ नो सर, क्या बात कर रहे हैं आप? उनको बोलिए तैयार होने के लिए, लेट हो जाएगा, ट्रैफिक बहुत लग जाता है बाद में। आप ही बताइए। ओके साइड। खूबसूरत मैं हूँ। एक्सक्यूज मी। ओ नो मैम, अभी तक आप सो रही हो, आपको आज गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाद मरीन ड्राइव और चौपाटी भी जाना है। अभी जल्दी से तैयार हो जाए। और हाँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आ पाऊंगी। वो टॉम आ रहा है, वो स्पाइडरमैन नहीं, उसके साथ पार्टी है, वहां जा रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना? और कुछ करने की जरूरत है मैम? मुझे पता ही नहीं है फिर भी। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है,
जो किया है वो ज्यादा ही है। थैंक यू सो मच, जल्दी जाना बेस पे आप लोग, अच्छे से घूमना एंड हाँ चौपाटी पे रोमांस करना मत भूलना। अगर इसको अकेला छोड़ दिया तो फिर से कहीं खो जाएगी, इसके पीछे ही जाना पड़ेगा मुझे। कितना अच्छा दिख रहा है ना, तुम एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, अच्छा दिख रहा है ना ये? कितने बोरिंग आदमी हो सच में, तुम्हारी तो कहीं पे आना ही नहीं चाहिए। Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just Abhijit. अच्छा दिख रहा है ना? कुछ तो बोलो यार, कब से मैं ही बोली जा रही हूँ, तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या? अभिजीत, ओह नो, कितना भाव खा रहा है ये? वेलकम अभिजीत सर, शीला मैम, और ये है आपका न्यू स्टे जहाँ पे आज आप रुकोगे। पिछले वाले होटल से ये थोड़ा अलग है, ये है समंदर किनारे जो मैं बात कर रही थी, शाम को बीच पे जाएंगे, बीच पे जाएंगे, दिस इज इट। देखिए बीच कितना नजदीक है आपके। वाह, काफी करीब है समंदर। अभी मैं चाहती हूँ आप दोनों फ्रेश होके सबसे पहले बीच पे जाइए और थोड़ी सी रोमांटिक बातें कीजिए, उसके बाद मुझे ऊपर मिलना। भगवान के पास इतना ऊपर मत जाइए। ऊपर वाले फ्लोर की बात कर रही हूँ मैं, वहां पे एक और कपल आपका इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर आज हम खेलेंगे गेम, बहुत मजा आएगा। अभी सबसे पहले आप फ्रेश हुए और जाइए बीच के ऊपर, जल्दी जल्दी हरी अप। चलो चलते समंदर के पास। इतना खूबसूरत नजारा है ना अभिजीत, मैंने पहली बार समंदर को इतने करीब से देखा है। देखो वो कितना अच्छा दिख रहा है। कुछ तो बोलो अभिजीत, कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या ये? कल भी शॉपिंग मॉल में पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे थे, उसी में खो गए। मैं खोया? खोई तो तुम थी, पता है मैं कितना डर गया था? अगर तुम्हें वापस जाना ही था तो बोल के जाती। मैं वहाँ पे अकेला पूरे मॉल में तुम्हें ढूंढता रहा और तुम मुंह उठा के चले गई अकेले। अभिजीत ठीक से बात करो। क्या ठीक से?
तुमने जो मेरे साथ हरकत की उसके बाद से ये उम्मीद मत रखना मैं तुमसे ठीक से बात करूंगा। कितना डर गया था मैं पता है तुम्हें? एक तो मुंबई इतना बड़ा शहर, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ? छोटी बच्ची तो नहीं पर अकल की कच्ची जरूर हो तुम। अभिजीत ये देखो। शांत बड़ो, तुम मुझसे बात मत करो। अगर तुम मुझे नहीं मिलती मैं वापस सोसाइटी में क्या मुंह दिखाता? मेरी माँ को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी फैमिली को क्या जवाब देता मैं? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? बस अभिजीत, कुछ हुआ मुझे हो जाता तो? देखो जो नहीं हुआ उसके बारे में मत सोचो, जो हो रहा है उसको देखो। एक तो कितने दिनों बाद मुझे ऐसा टाइम मिला है फ्री का घूमने का, 6 साल जापान में स्टडी स्टडी स्टडी। 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि हम दोनों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बस ये सोचो हम अभी कहाँ पे हैं और उस पल को एंजॉय करो। हेलो सर, हेलो मैम, हाय। आई होप सर आपकी मुंबई ट्रिप काफ़ी अच्छी जा रही हो मेरी गाइडेंस के थ्रू। एंड आज आपसे मिलने एक और कपल आ रहा है जिसको मैं ही गाइड कर रही हूँ मुंबई में। तो यहाँ पे हम गेम्स खेलने वाले, आप दोनों के बीच में गेम होगा, काफ़ी मज़ा करेंगे हम, वो अभी आते ही होंगे। इट विल बी फन। या आई थिंक आ गए वो। हाय। हेलो हेलो चित्रा, मैं शीला। सर ये है अभिजीत सर, एंड मैम ये है शीला मैम। इनकी अभी नई नई शादी हुई, न्यूली कपल है। आपका भले ही बहुत पुराना रिश्ता है बट इनका अभी नया नया जुड़ा है, एंड ये मुंबई घूमने के लिए आए हैं। अभी आप दोनों कपल्स बैठ जाइए, हम गेम शुरू करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम। हम ही जीतेंगा ये अभी कोई पूछने की बात है। ओके, तो लेट मी स्टार्ट। आप दोनों कपल को मैं क्वेश्चंस पूछूंगी एक एक करके, एंड आपको उसके आंसर देने, ठीक है? जो एक्यूरेटली आंसर देगा कपल वो जीत जाएगा। आपके बारे में क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसने किसको प्रपोज किया? सबसे पहले आई प्रपोजर, बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आपका केस में क्या हुआ? हमारी तो जबरदस्ती हुई शादी। शीला क्या कुछ भी बोल रही हो तुम सबके सामने? देखो जो हुआ वही बता रही हूँ मैं, जबरदस्ती हुई हमारी शादी। देख रहे हो दोनों कैसे लड़ रहा है। माना ये सच है पर ऐसी बातें इन लोगों के सामने करना अच्छा लगता है, हम घूमने आए हैं। सच सच होता है अभिजीत, सच को कोई नहीं छुपा सकता, और मैं हमेशा सच बोलती हूँ। झूठ बोला तो पता है मुझे क्या करना पड़ा, तुमसे शादी। इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सच ही हमेशा बोलना चाहिए। ओके ओके, मूव ऑन करते हैं, लड़ाई मत कीजिए। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको आपके हस्बैंड और आपकी आपको वाइफ कौन से हॉलीवुड बॉलीवुड कैरेक्टर की तरह लगते हैं? आई मीन दीपिका, प्रियंका, या फिर हॉलीवुड में अगर हम दिखे तो वैसा कौन सा आपको लगती है आपके भी एक्टरेस है और आपको आपके पति एक्टर, ऐसा कौन है वो? यह है मेरे ब्रैड पिट, मैं उनकी एंजेलिना जोली। इंडियाज एंजेलिना जोली एंड ब्रैड पिट। आप दोनों क्या कहना चाहोगे एक दूसरे के बारे में? आपको क्या लगता है आपके पति क्या है और आपको क्या लगता है आपकी पत्नी क्या है? देखो साफ सीधी बात है, मुझे मेरा हस्बैंड किसी इंसान की तरह लगता ही नहीं, वो एक जानवर है। जानवर, वो भी जानवर कौन सा? हाँ, इसको पसंद भी है वो जानवर, पांडा। ये पांडा है और मुझे ये भालू लगता है। ये दोनों तो लड़ाई कर रहा है। देखो देखो, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके। द क्वेश्चन इज, किसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है आप दोनों में से? यह है सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाले, चित्रा इज वन ऑफ द मोस्ट एंग्रीस्ट वुमन ऑन प्लैनेट। आई अग्री, मैं सबसे ज्यादा गुस्सा करती हूँ, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट मैन ऑन अर्थ, बिकॉज इसके जैसा कूल मैंने कभी देखा नहीं। आई थिंक MS धोनी के बाद यही सबसे कूल है। ओह कम ऑन चित्रा, हेयर स्टाइल भी शायद उन्हीं से इंस्पायर है। आप बताइए किसको ज्यादा गुस्सा आता है आप दोनों में? बहुत बहुत लड़ाई करते होंगे, अभी हमारे सामने ऐसा कर रहा है, रूम में तो कितने फाइट हनामारी होती होगी। बढ़ते हैं आगे, ये है फुल एंड फाइनल क्वेश्चन। आपको आपके पति की 3 अच्छी क्वालिटीज बताना है, अच्छी क्वालिटीज। मेरे हस्बैंड की सबसे अच्छी क्वालिटी उनके बाल, नो वन कैन बीट हिज हेयर। सेकेंड, ही इज मोस्ट हैंडसम,
And third will be he's so much, you know, caring. He cares so much me. आप बताइए अपनी पत्नी की. Chitra is very beautiful. She can cook, she can talk, and she can listen talk. And अभी आपकी टर्न. तीन. मुझे तो एक भी याद नहीं आ रहा. Same here. मुझे भी इसमें कोई अच्छी क्वालिटी नहीं लगती. जितनी भी है सब बुरी है. बस 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 थैंक यू सो मच. आप दोनों यहाँ पे आए, गेम में शामिल हुए और इस गेम के विजेता है ये वाला कपल. पहले से पता था हम ही जीतेंगे. आप दोनों जा सकते हो. एंड हाँ, रात को आप दोनों अच्छे से तैयार होना. क्यों? मैंने आप दोनों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है. जाइए अब. आपने उनको तैयार होने के लिए क्यों बोला? यू सी वो कैसा लड़ रहे थे. हाँ, वेरी मच फाइटी फाइटी. इसीलिए मैंने उन दोनों के लिए रोमांटिक डिनर डेट प्लान की है. शायद उससे कुछ फर्क पड़ जाए. कॉल करती, उसने काट दिया था मेरा कॉल. नहीं, उसको मैसेज करती. कॉल मी. कॉल करने के लिए बोल रही है. हेलो दीदी. हेलो. क्या बात करनी थी? बात कुछ नहीं करना चाहती थी. तुमने फोन क्यों रखा? हाँ तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी. तुम्हारा तो काम ही है लोगों को डिस्टर्ब करना. दीदी आपसे ही सीखा है वो. हमारे साथ एक कपल भी है, हमारी गाइड है ना, वो एक और कपल को यहाँ मुंबई में गाइड कर रही. इतना लड़ रहा था वो कपल. ऐसे कौन से कपल है जो घूमने के बजाय लड़ाई कर. एक मिनट, मुंबई में हो ना तुम? हाँ मुंबई में हो. हमारे सोसाइटी से भी एक कपल गया है मुंबई में घूमने के लिए. ओ वो लड़ाई झगड़ा उनमें माहिर है. वो शादी के बाद से लड़ाई लड़ाई लड़ाई. ओ दिखने में कैसा था कपल? न्यू था क्या या ओल्ड बुड्ढा बुड्ढी था? न्यूली मैरिड. साफ साफ दिख रहा था. अ न्यू मैरिज. हा हा हा. अच्छा एक बात बताओ, लड़की कैसी थी? लड़की बॉयकट थे क्या उसका? हाँ शॉर्ट हेयर. शॉर्ट हेयर. वो शॉर्ट हेयर की लड़की थी, पिंक कलर की साड़ी थी. लड़का कैसे था? लड़का हैंडसम था क्या? हाँ ही सो हैंडसम. उसकी मूछें कैसे थी? ऐसे इधर 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 और नीचे से होठों के नीचे भी थोड़ा सा मूछें रखता है वो, ऐसा तो? हाँ इधर इधर दाढ़ी थी. ओ क्या नाम बता? शीला अभिजीत बोल रहा था कुछ गाइड हमारा, उनका नाम. क्या बात कर रही हो दीदी, इत्तेफाक देखो, आप जिस होटल में गई उसी होटल में ये दोनों भी. आहा बहुत लड़ाई करते. तो हमारे सामने लड़ाई कर, एकदम अपोजिट. हम इतना प्यारे और वो इतना लड़ाई करने वाला है. इसीलिए गाइड ने आज शाम को उनकी डेटिंग रखी है. दीदी आप मेरा एक काम करोगी क्या? क्या? आप ना उनकी डेट में जो जो बातें हो रही है ना सब सुन लो. क्या है मैं जानना चाहती हूँ. अभी मैं तो वहाँ पे आके कान नहीं लगा सकती, पर आप हो ना. प्लीज आप जरा उनकी बातें सुन के मुझे बताते. ठीक है, सुनती हूँ मैं उनके बातें और बताती हूँ तुमको. थैंक यू दीदी. बाय. रखती हूँ. अबे ये बुला रहा है.